अब सही बताओ हमने देखा हमने कितने परिवार में शांति में रहने के लिए कितने तरीका बता दिए कितने क्यों हो नहीं हो रहा है हमने डिक्शनरी जैसे कहते हैं ना कोई देखता है मैंने कहा ये डिक्शनरी से जो परिवार की डिक्शनरी से कहते हैं ना ये सासू और शब्द को सदा के लिए डिलीट करो अच्छा हाँ तो फिर क्या ना कभी घर में बहु लाना है ना घर कभी सासू बनना है तो फिर बात समझ रहे ना चाहो एक सूत्र बता रहा हूँ परिवार प्रेम में रहने का परिवार को मंदिर बनाने का सबके काम आ जाओ सबके काम आ जाओ सबके काम आ जाओ सूत्र क्या कहता है सब सबके सब काम, काम, आ जाओ किसी से कुछ भी प्रति बदल में मत चाहो नमस्कार दोस्तों जनता की आवाज में आप सभी का स्वागत है मैं कन्या शर्मा जैसे कि जो सत्संग आप सुन रहे हो रोजाना सुबह आठ बजे जैसे कि आज की भी आपने सत्संग सुनी और अभी जो सुन रहे हो मैं आप सभी से, से एक निवेदन करूंगा जिन भाइयों ने एड्रेस पूछा था उनसे मैं निवेदन करूंगा एक बार मैं जब तक नहीं बताऊंगा तो मुझे उस चीज में गलत मत समझो आप समझ रहे हो कि मेरा उसमें कोई हित है मेरा कोई उसमें हित नहीं है तो महाराज जी मैं थोड़ा सा बात काटते पहले तो प्रणाम करता हूँ आपको मेरे दर्शकों की तरफ से और मेरी तरफ से आपके सबको सबको सब प्रेम सब स्मरण मैं सवाल करने से पहले लोगों में कल चार पाँच दिन से एक भ्रंतिया फैल चुकी है कि महाराज ये एड्रेस नहीं बताते आप मना कर रहे हो या आप बताते नहीं हो तो आप उनको सही एक सही जवाब बता सकते देखो एड्रेस जानने से पहले मेरे एड्रेस जानने से कुछ लाभ नहीं होगा अच्छा। मैं चाहता हूँ परमा, परमात्मा के एड्रेस आपको पता चल जाए जब भगवान के पता आपको पता चले भगवान के एड्रेस पता चले तो उसमें विशेष लाभ है मेरे एड्रेस पता चलने का कारण क्या है भाई वहाँ तक हमारे हो और आपसे हमारे संपर्क क्या है केवल भगवान को लेकर संपर्क है केवल सत्य को लेकर संपर्क है सत्संग को लेकर संपर्क है और तो कोई संपर्क नहीं कोई लेना देना इससे कोई मतलब नहीं इससे तो बहुत रिश्ताएं हैं बहुत संबंध है बहुत, है, बहुत जानकारियाँ हैं एक संपर्क है आप और हम दोनों माने भगवान की ओर चले सत्य ओर चले एक दूसरे को सहायक बने इस मार्ग में चलते समय एक दूसरे को साथ दे ये सबसे बड़ी बात होनी चाहिए तो इसलिए ये एड्रेस की तो अपने आप जानकारी हो जाएगी समय आने पर तो इसलिए मूल चीज़ है जिस एड्रेस के लिए हम सब इतने समय व्यतीत कर लिए जो मनुष्य शरीर मिला है इस उनके एड्रेस पता चल जाए और सही ठिकाना जानकारी हो जाए ये हमारे लिए और आपके लिए और सबके लिए लाभप्रद है जैसे गुरु दो दो दो। जैसे गुरु जी ने बताया कि ये समय आने पर पता चल जाएगा लेकिन अपना उद्देश्य है भगवान की प्राप्ति करना और आपकी समस्याओं का या आपके सवालों का हल देने की मेरी कोशिश करो महाराज जी जैसे आज का सवाल ओनली फॉर माताओं का है उनमें से माताएं हो सकती है शादीशुदा ऐसे भी ज़्यादातर मैंने देखा है कुछ माताएं बड़ी है जो सास है कुछ माताएं छोटी है जिनकी शादी अभी हुई बहू है तो वो चाहती है कि हमारा घर किस प्रकार मंदिर बन जाए कि हमारे घर में कोई भी किसी से भी किसी भांत की लड़ाई झगड़ा या ना हो कि दो दांत भी ना हो ऐसे मिले कि राम राज्य हमारे घर में बन जाए ऐसा हाँ। कौन सा मार्ग है देखो मार्ग बहुत है संतों ने शास्त्रों ने बहुत मार्ग बताए परंतु जो हमारे लिए सुगम है सरल है और श्रेष्ठ है इस मार्ग को यदि हम अपनाएंगे तो हमारा काम होगा मैं आपको एक बात बता रहा हूँ गीता प्रेस से छपी हुई है श्रद्धे स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज के द्वारा लिखित गृहस्थ में कैसे रहें अच्छा एक किताब को आप अवश्य सब लोग एक बार अवश्य पढ़ना गृहस्थ में कैसे रहें और उसके ऊपर में एक चित्र है शंकर भगवान है माता पार्वती है गणेश जी है कार्तिकेय जी है और सबके सेवक अर्थात वाहन वाहन कौन है गणेश जी के चूहा और कार्तिक जी का मयूर मोर ठीक है ना और माता का सिंह शेर है और इनके सांप नंदी, नंदी नंदी और सांप ये परस्पर क्या कभी एक साथ रह सकते तो नहीं देखा कभी बिचाओ सांप और मोर परस्पर में दोनों शत्रु है भाई सांप को अगर मोर देखे तो उसको खा जाए मोर का सबसे बढ़िया खाद्य है सांप बड़े प्रेम से खाता है ठीक है ना और चूहा सांप ये भी नहीं है और शेर और नंदी वो नहीं है परंतु एक परिवार के अंदर सब एक साथ कैसे रहते हैं शंकर भगवान की जब हम पूजा करते हैं इसे कोई एक गांव नहीं मिलेगा कोई गली नहीं मिलेगी जहां पर शंकर भगवान का और हनुमान जी का मंदिर ना हो सत्य है सही नहीं बताओ सत्य है शंकर भगवान और हनुमान जी का मंदिर सब जगह प्राय है क्यों है क्योंकि उनकी तरह हमको जीना है उनकी तरह हमको रहना है शंकर भगवान को अपने लिए क्या लगता है स्मशान में निवास करते दूर चढ़ा दो उनको कहते ना और उनको आग के पुष्प और वो बिल्लो पत्र साधारण गंगा हो नहीं तो साधारण जल हो